चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दरअसल मई 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपने इस एक साल में काफी विकास किया। साल 2014 से 2015 तक विकास दर में दोगुनी बढ़ोतरी हुई, तो अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ। आइए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। एक साल मोदी सरकार, कितना बदला देश का हाल। मई 2014 से लेकर मई 2015 तक कितने सुधरी देश की अर्थव्यवस्था, कितना हुआ विकास, कैसा रहा देश का कारोबार। केंद्र में मोदी सरकार का एक साल पूरा हो चला है, जहां एक और साल पूरा होने की खुशी में पार्टी के भीतर जश्न का माहौल है, वहीं जनता के जहन में ये सवाल है कि आखिर अपने इस एक साल के अंदर अंदर मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है। वादे और दावे तो मोदी सरकार ने बहुत किए, लेकिन आखिरकार कितने वादों को पूरा करने में कामयाब हो पाई है मोदी सरकार। बात अगर देश के कारोबार और अर्थव्यवस्था की जाए, तो अपने इस एक साल में मोदी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक पटरी पर लाने में कामयाब रही है। आपको बता दें कि पिछले साल 2014 में अर्थव्यवस्था की दर 4.7% थी, जो इस साल बढ़कर दोगुनी हो गई है, यानी 7.5% हो चुकी है। वहीं भारत के विकास दर में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, तो डॉलर के मुकाबले रुपए में भी 63.34 रुपए की मजबूती आई। वहीं दूसरी तरफ अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने तो भारत आने वाले कुछ सालों में 8% की विकास दर के साथ चीन को भी पीछे छोड़ देगा। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कारोबार और अर्थव्यवस्था के लिहाज से मोदी सरकार में देश का काफी विकास हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, साता न्यूज। तो इन एक सालों में क्या कुछ बदला है और एक साल मोदी सरकार, लेकिन कितना चमत्कार हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में और कारोबारिक लिहाज से देखा जाए, इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। इन एक सालों में भारतीय व्यवसाय के अगर अनुसार बात की जाए या कारोबार के लिहाज से देखा जाए, क्या कुछ चमत्कार देखने को मिला है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और आपके सवाल में एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, चमत्कार जी। आई थिंक यही कहीं ना कहीं एक इश्यू है कि लोगों के अंदर कुछ हद तक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई थी कि कहीं ना कहीं चमत्कार होगा जी। अब इस साल में अचीवमेंट्स हुई हैं जी, सरकार की उपलब्धियां रही हैं, सरकार ने सही दिशा में काम भी किया है जी। बट चमत्कार की अगर बात करें ना, तो वो एक साल में हो सकता था जी, ना ही हुआ है। अगर आप उससे पूछे तो जिस तरीके से ये जब ये नई सरकार आई थी, ये नए वादों की, नए इरादों की सरकार थी, बिल्कुल उस समय एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा असेसमेंट मेरी ये थी कि ये सरकार का पहला साल मेरिट लिस्ट में होगा। मेरिट लिस्ट में कहूंगा 100 में से अगर मार्क्स कहें कि 80 से ऊपर 85-90 कहीं होगा। तो अब अगर आज मुझसे आप एनालिसिस पूछें तो मैं इसे फर्स्ट डिवीजन दूंगा, 100 में से 60 नंबर दूंगा, वेयरली फर्स्ट डिवीजन, वो भी ज्यादा नहीं जी। बिकॉज जितनी एक्सपेक्टेशन या जो चमत्कार वर्ड आपने कहा जी, वो वाली चीज हुई एक्सपेक्ट की जा रही थी वो तो नहीं हुआ, बट फर्स्ट डिवीजन में जरूर है क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जी। साथ ही साथ इंटरनेशनली इन्वेस्टिंग कम्युनिटी हो या जो कंट्रीज हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर जैसे चाइना है, यूएस है जी, वहां से पॉजिटिव सिग्नल्स हमें आए हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करने की तरफ हम बढ़े हैं। साथ ही साथ लिबरलाइजेशन और ग्रोथ, जो रिफॉर्म चाहिए थे उनकी दिशा में बढ़े हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विपिन मलहन जी, बात यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हो रही है, मेक इन इंडिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि हाँ, जो बाहर के निवेशक हैं वो भारत आएंगे और इससे विकास होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बना हुआ है कि क्या हम उन्हें इस तरीके का माहौल दे पाएंगे जिससे वो निवेश करें ज्यादा से ज्यादा। देखिए, जो मोदी सरकार है, जो उसने चुनाव से पहले अपने वादे किए थे कि मेक इन इंडिया, और मैक्सिमम फोकस उसका यह था कि यहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनाएंगे, यहां पे इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, वैसा एनवायरनमेंट यहां पे बनाया जाएगा जी। मोदी जी का भी एक साल हुआ है जी, कई देशों में वो भ्रमण कर चुके हैं, कई जगह उन्होंने अपने हैंडशेक करे हैं बिल्कुल, और मोदी जी और उनकी सरकार यहां पर कोशिश तो कर रही है ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की,
पर ये एक दिन में नहीं हो सकता, एक साल में ऐसा नहीं हो सकता। ये सही आपने कहा कि आज हमें जिस चीज की उम्मीद थी वो उम्मीद पर अभी तक खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को जितने वादे किए गए थे, दिखाए गए थे, उस हिसाब से अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई दिया है। इंडस्ट्री एक दिन में नहीं चलती, ना एक दिन में लगती है, उसके लिए समय चाहिए होता है। पर जहां पर थोड़ी सी हमें हताशा हुई है, हताशा इस बात की हुई कि जिस जिस जगह पर अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स कम हुए, बिल्कुल उस हिसाब से हिंदुस्तान को उसका बेनिफिट नहीं दिया गया। जी, अगर हम बात करते हैं जिस टाइम इन्होंने ओथ ली, जिस टाइम प्रधानमंत्री बने, जब इनकी सरकार आई, उस टाइम के अगर क्रूड ऑयल का रेट जी बिल्कुल, लेकिन आकाश जिंदल जी जैसा कह रहे थे कि एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर मिलने लगे हैं। चलिए इसको इस पर भी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी जी जो कि कांग्रेस नेता है वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप किस तरीके से देखते हैं मोदी सरकार के इन एक सालों को, अगर कारोबारिक लिहाज से अगर देखा जाए, क्या कुछ इस एक साल में चमत्कार हो पाया है कारोबारिक लिहाज से अगर देखा जाए तो? हाँ, बदलाव मैं कहूंगी ये आया है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हैं, जो प्रॉमिस किए गए थे घटेंगे, क्योंकि पूरे ग्लोबली प्राइसेस फॉल कर रहे हैं, पर हमारे ही देश है जिसमें प्राइसेस राइज कर रहे हैं। दूसरा, अगर 8 कोर सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स देखे जाएं, वो 2009 से सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ अगर रिकॉर्ड की गई होगी, इस साल में रिकॉर्ड की गई होगी। अगर जॉब ग्रोथ की बात की जाए तो सबसे स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हुई होगी तो अभी इस साल में रही होगी। अगर एक्सपोर्ट स्लो डाउन की बात करें, एक्सपोर्ट में गिरावट आई होगी तो इस साल में आई होगी। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड है, ये जो मिसमैनेजमेंट है अर्थव्यवस्था का, मैंने देखा है कि इस साल में हमने देखा है कोई ठोस कदम नहीं है, कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री पॉलिटिकल टूरिस्ट बनकर जाते हैं दूसरे देशों में, किसी तरीके का एफडीआई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप टैक्सेशन ब्लैकमेल हो रहा है, एफडीआई क्लियर नहीं है कि उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, किसी इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं डालता है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट में कॉन्फिडेंस नहीं डालता है कि अगर कोई दिशा नहीं है, दशा नहीं है, तो किस बेसिस पे वो आगे वाली इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बजाय पैसा और उसमें डालें, कैसे डालें जब कोई ठोस कदम ही नहीं उठाए गए हैं और हर सेक्टर में हम नेगेटिव ग्रोथ देख रहे हैं। आकाश जिंदल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, मोदी सरकार का ये एक साल, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में फील गुड फैक्टर की वापसी हो पाई है? वेरी नाइस। देखिए, फील गुड फैक्टर जो है वो आ गया है, और ना सिर्फ डोमेस्टिक मैं कहूंगा प्लेयर्स में, बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स में भी एक फील गुड है। और जहां तक हमारी मित्र जो कांग्रेस की तरफ से बोल रही थी, बात कर रही थी कि आज आईआईपी के और डेटा की, मैं उन्हें बता दूं, इंटरनेशनल एजेंसीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब प्रेडिक्ट कर रही है कि इंडिया आने वाले 2 साल में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फास्टेस्ट होगी मेजर कंट्रीज में से। बिल्कुल, ऐसा नहीं है, कंट्री हमारी ग्रो कर रही है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर रहा है। ऑलरेडी अगर फॉरेनर्स की बात करें, एफआईआई जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल, उनका जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी जो है इंटरेस्ट बढ़ने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बन रही है। तो एक माहौल जो है, एटमोसफेयर जो है वो बिल्डअप होना, वो क्रिएट होना जो है वो शुरू हो गया है। तो ये जो है, मतलब हम पेस ऑफ रिफॉर्म, पेस ऑफ ग्रोथ के ऊपर जो है सवाल हो सकते हैं, बट डायरेक्शन ऑफ प्रियंका जी, प्रियंका जी इस पर सही है। प्रियंका जी कुछ इस पर कहना चाह रही हैं। जी प्रियंका जी, राजू जी की जरूरत ही नहीं है, जब जिंदल जी काफी अच्छा बैटिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और सरकार के लिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी, आईएमएफ हो, वर्ल्ड, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वो मार्केट एक्सपर्ट होंगे, पर मैं भी आप उनको कुछ आंकड़े दिखा दूं। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की उन्होंने बात की, तो हमने देखा है स्टॉक एक्सचेंज में कैसी गिरावट आई है, हमने देखा है कि कैसे डॉलर के रेट गिरे हैं, हमने देखा है कि इन्फ्लेशन किसी तरीके से कम नहीं हुआ है। वो कौन से मार्केट सेंटिमेंट की बात करें, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट आई है, आईएमएफ की कोई रिपोर्ट आई है कि दिशा सही जा रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी जिंदल साहब से, जिंदल साहब जी, कौन सी एक ऐसी पॉलिसी आपको लगती है जो एक ठोस कदम हुई होगी इन्वेस्टर्स के लिए या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए? जहां तक हम मार्केट सेंटिमेंट देखते हैं, तो मार्केट सेंटिमेंट में अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देख लेंगे, किस तरीके की गिरावट, जवाब ले लेंगे प्रियंका जी, अगर हम बिल्कुल आकाश जी आते हैं आपके पास, बिल्कुल प्रियंका जी आपकी तमाम सवालों का जवाब देंगे। आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दिख रहा है, तो मैं भी बिल्कुल जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी। आकाश जिंदल जी, जवाब दीजिए। देखिए, एक एक करके मैं रिप्लाई देना चाहूंगा प्रियंका जी को। प्रियंका जी, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं एक इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट हूं,
मेरा किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही आप मुझे किसी पार्टी से प्लीज जोड़ने का प्रयास करें। जहां तक मैं आपको जिस आप बात कर रहे थे रिपोर्ट की, ये वर्ल्ड बैंक और IMF की GDP की जो है, GDP के बारे में उनकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, वो है। दूसरा, आप स्टॉक मार्केट का मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दे दूं, स्टॉक मार्केट जो है अभी कुछ दिन पहले 30,000 जो BSE सेंसेक्स है वो ऑलरेडी हमने ऑलरेडी टच कर चुका है। जहां तक CPI इन्फ्लेशन है, WPI इन्फ्लेशन है, वो काफी हद तक लो आ चुकी है। और जहां तक इंटरनेशनल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का आज इंडिया के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। बिल्कुल जवाब दीजिए प्रियंका जी। मैं बिल्कुल जवाब इनको दूंगी। मैं उनसे सबसे पहले कहूंगी कि जो स्टॉक मार्केट की वो बात कर रहे हैं और सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, सिलेक्टिव आंकड़े ना देश के सामने लाने की कोशिश करें। अगर पूरा साल का एनालिसिस करें तो जो आउटकम रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और स्टॉक मार्केट का, वो भी नेगेटिव ही रहा है जी। दूसरी चीज, वो GST के बारे में बात कर रहे हैं, क्या साहब जानते हैं? आई एम श्योर आप इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, मार्केटिंग एनालिस्ट हैं, आपका ज्ञान ज्यादा होगा। हमने इस पूरी जो GST पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने की बात है, टैक्स रिफॉर्म करने की बात है, वो इंट्रोड्यूस हमने किया था, उसमें रोड़े भारतीय जनता पार्टी ने डाले थे। और अब आने के बाद उन्होंने एक इंटर स्टेट टैक्स लागू किया है GST में, जो पूरे स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है, GST यूनिफॉर्म GST टैक्स रिफॉर्म के स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। तो हमने एक सिलेक्शन पैनल के लिए में भेजा है कि हम कह रहे हैं कि किसी तरीके का इंटरस्टेट टैक्स नहीं लगना चाहिए GST पर। इस मुद्दे पे हम गए हैं सिलेक्शन कमेटी के पास, और हम ऐसी कोई भी चीज जो देश के हित में ना हो और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के फायदे में हो, हम वो होने नहीं देंगे। तो मैं आपको ये क्लैरिटी कर दूं, क्योंकि आप इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, आपको बहुत समझ है इन सब चीजों की, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि कैसे ये पूरे स्पिरिट को, GST स्पिरिट को खराब करता है इंटरस्टेट टैक्स का आंकड़ा डालकर। जी, मैं इसका रिप्लाई देना चाहूंगा। पहले तो आपने BSE की बात की, सिलेक्टिव डेटा की बात की। मैं जब से ये नई सरकार पावर में आई है, आई थिंक दैट वॉज 26th of May व्हेन द प्राइम मिनिस्टर टुक ओथ, तब से लेके आप किसी भी मंथ का, जो मंथ आपको पसंद है उसके डेटा को हम डिस्कस कर लेते हैं। मंथ वाइज मेरे पास पूरा डेटा है, तो आई थिंक मई से लेके अभी हम मई में है, आप प्लीज एक एवरेज लगाने की बात करें। कोई आप एक मंथ सिलेक्ट कर लीजिए, अभी आपने बात की सिलेक्टिव डेटा की, प्लीज सिलेक्ट वन मंथ। इन्फ्लेशन के आंकड़े लगा लीजिए, 2014 में क्या थे और उनके आने के बाद क्या है, वही आंकड़े मुझे दे दीजिए। आप मुझे बोल दीजिए, एक महिला होने के नाते मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरे महीने में खर्चे का किस तरीके से कटौती हुई है? मैं सब्जी दाल खरीदने जाती हूँ, मेरे लिए क्या फायदा हुआ इस सरकार का? मोदी सरकार के एक साल पूरे होने पर कैंटारो के शेयर बैंड महेश गुप्ता जी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला देवांगन ने। मोदी सरकार के एक साल में कैसा रहा कारोबार, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कैंट आरओ के चेयरमैन महेश गुप्ता जी हैं। महेश जी, कैसा रहा कारोबार और क्या सोचते हैं आप, कितना नफा नुकसान हुआ? नहीं, हम इसको अच्छा कारोबार बोलेंगे। एक पुरानी सरकार गई, एक नई सरकार आई जो कि बहुत स्टेबल सरकार है, अपनी मेजोरिटी की सरकार है, मिलीजुली सरकार नहीं है कि कोई एक लेफ्ट को खींच रहा है, उसको एक राइट को खींच रहा है, एक अपना मुद्दा लेके चली है सरकार, और उस सरकार ने अच्छा काम किया हम समझते हैं एक साल के अंदर। लेकिन गति कहीं ना कहीं मंद हुई है, निवेश कम हुआ है, निर्यात घटा है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, ये सारे आरोप लगा रहे हैं विपक्षी। देखिए, हमने को समझना पड़ेगा, पूरा विश्व एक मंदी के दौर पर चल रहा है। आज ऑयल के प्राइसेस इतने कमती हो गए, सब जगह पर डिमांड नहीं है। उस मंदी के जमाने में, मंदी के जमाने में भी हमने देखा है कि हमारा देश 7% की तरक्की पे चला है, GDP पर ग्रोथ किया है, उसको एक खराब अचीवमेंट नहीं कह सकते हैं। और आने वाले जो नीतियां उन्होंने बनाई हैं वो मेरे को ज्यादा अच्छी नजर आती हैं। आने वाले समय की बात करेंगे, आपको क्या लगता है जो अभी जितने भी विदेशों के दौरे हुए हैं, जो निवेश की बात की जा रही है, कितनी आशा आप लोग को, निवेश क्या बढ़ेगा और क्या व्यापार में और फलीभूत होगा भारत? देखिए, पूरा विश्व आज इंडिया की तरफ देख रहा है। हमने देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी विश्व में जाते हैं तो वो अपनी एक छाप छोड़ के आ रहे हैं। सब विदेश के लोगों को आज इंडिया की तरफ इसलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, 1.2 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन है, और यहाँ पे डिमांड हो सकती है, वो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश का भविष्य बहुत अच्छा है। तो महेश गुप्ता जी का कहना है कि चूंकि पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है पर भारत पर इसका असर काफी कम हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की वाहवाही करनी चाहिए, और साथ ही आशावान भी है कि आने वाले समय में जो व्यापार है वो काफी बढ़ेगा।
प्रियंका जी, बिल्कुल जवाब लेंगे। प्रियंका जी, इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, क्या है इससे भी इंकार करेंगी आप? जगह जगह जाकर जिस तरीके से विदेशी निवेशकों को वो स्वागत कर रहे हैं कि आइए और हमारे देश में आप निवेश करिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने अमेरिका का दौरा किया, जर्मनी का दौरा किया, फ्रांस का दौरा किया, हाल ही में चाइना का दौरा किया, वहां से कितना हमारे पास निवेश आया? प्रियंका जी, जापान से, मैं यही बता रही हूँ, जापान से अगर बात की जाए 5 साल के लिए 35 अरब डॉलर का उन्होंने करार किया। आप जापान को भी ले लीजिए, आप नेपाल भी ले लीजिए, आप भूटान भी ले लीजिए, आपको जो देश का नाम लेना है जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री टूरिस्ट बनकर गए हैं, पोलिटिकल टूरिस्ट बनकर गए हैं, वहां से क्या ठोस पैक्ट साइन कर आए हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट्स, कौन सी अंडरस्टैंडिंग कन्वर्ट हुई हैं का जहां पे लोगों को फायदा हुआ हो, यूथ को जॉब्स मिला हो या बिजनेस करना तो मुमकिन नहीं है। अगर नहीं, अगर आप एक साल का आकलन आप मुझसे कह रही हैं, एक साल में बहुत कुछ आया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एफडीआई के मामले में जहाँ आप टैक्सेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप टैक्सेशन ब्लैकमेल की बात चल रही है, कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस से इंडिया में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे आपकी टैक्स पॉलिसी ही क्लियर नहीं है? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हमारे प्रधानमंत्री इतने सारे देशों का दौरा कर आए हैं, अमेरिका से लेकर मैंने आपको सारी कंट्रीज गिनाई हैं और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो शायद मेरे दिमाग से निकल गई है, इतने सारे देश घूम आए हैं, पर उसमें हमारी कंट्री के लिए क्या फायदा हुआ? हमारे जॉब्स, जो यूथ को जॉब्स मिलने हैं उसका क्या फायदा हुआ? एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो किस तरीके का फायदा हुआ, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग्स हुई दूसरे देशों अभी के साथ, क्या टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हुए, क्या यूनिवर्सिटी एक्सचेंज हुए? केंद्र में मोदी सरकार के एक साल पर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डीएस रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित दुबे ने। मोदी सरकार का एक साल कारोबारियों की दृष्टि कैसा रहा है, ये हम इस पर बात करते हैं। एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल डीएस रावत हमारे साथ हैं। रावत जी, क्या कुछ रहा इस एक साल में मोदी सरकार? देखिए, जो नई सरकार आई हिंदुस्तान के अंदर में, उनके सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां थी क्योंकि आम पब्लिक को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और उम्मीदें थी। किसी हद तक काफ़ी सफलता मिली कि एक माहौल को बनाने में उन्होंने उसमें कामयाबी हासिल करी है और अब जो है आने वाले 6 महीनों के अंदर में मैं समझता हूं कि सरकार को एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। रिटेल में महंगाई दर कम हुई है, कुछ और आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह मानते हो? सरकार की नीतियां हैं या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे तेल की कीमतें जो कम हुई है उसका कुछ असर देखने को मिला है? देखिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जैसे ही नई सरकार आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दो चीज़ों की कीमतें लगातार घटती गई, एक कमोडिटीज़ की और दूसरी तरफ तेल की, एनर्जी की।